हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश होंगे। एंड आप सबने ऑलरेडी देख लिया होगा, मैंने थोड़ा रास्ता का व्यू डाल दिया। तो मैं बता दूं कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, अभी निकल चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ। और या थोड़ा सा अपने लिए टाइम चाहिए था अकेले में। वैसे तो अकेले ही रहती हूँ ईटानगर में भी, फिर भी मतलब एक पीस ऑफ माइंड चाहिए था मुझे। काम से थोड़ा सा ऑफ ले रही हूँ कुछ दिन के लिए। एंड या अभी पहुँच चुकी हूँ जहाँ से मुझे जाना है, तो जल्दी मिलती हूँ आप सबको, ठीक है। और कहाँ जा रही हूँ उस सब के लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा, ठीक है। तो मैं गुवाहाटी पहुंच गई। यहाँ देखिए, मन्ना मैम फोटोग्राफर बन जाए। तो पहुंच गए गुवाहाटी एयरपोर्ट और अभी मैं लगेज के लिए रुक रही हूँ। एंड मोर ओवर लेट क्या हुआ कि आज जब होलोंगी से निकल रहा था, पूरा बैग का जो चेकिंग कराता है, बैग का जो चेक कराने वाला उसको करने का मैं सीधा जाकर के काउंटर में चली गई और मैंने आईपोर्ट से लगी मेरा बैग को लेना है। उसकी लाइन करके जब मेरा टिकट का मेरा अपना नंबर पूछने वाला था, तब मुझे याद आ गया अरे मैंने बैग लिया नहीं। उसके बाद लेकिन वापस गई, वापस जा कर मैंने बैग लिया, फिर टिकट विकेट काटा। और अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा होगा वो इंसिडेंटली ईटानगर से सब्जी को गुवाहाटी आ रही है, बहुत लोग जानने वाले हैं। तो एक मैडम को भी मिली ना, उसका रिसर्च पता नहीं बेचारा जो भी जानते हैं, जो मुझे फोन में था वो भी मेरे को मेरे साथ फोटो भी देर कंप्लेनिंग रिगार्डिंग फ्लाइट का जो फ्लाइट है उसके साथ ही साथ उसका जो बस है जिससे पैसे उसको फ्लाइट तक पहुँचाता है, तो उसको लेकर भी बोलने के बोल यार थोड़ी देर की लगेज थी, उसके बाद फिर चलती रहती है। तो बने रही है वीडियो में, अभी तो गुवाहाटी पहुँची हूँ, गुवाहाटी में कहाँ जाऊँगी क्या करूँगी उस सब के लिए आप सबको वीडियो देखना होगा। देखो इतना सुंदर, एयरपोर्ट से मैं जो होटल है वहाँ पहुँच चुकी हूँ और रॉयल हेरिटेज में रहने वाली हूँ। तो अभी इसका लाउंज एरिया में हूँ, तो वहाँ पे रिसेप्शन है। रिसेप्शन हो जाने के बाद में उसके बाद मैं रूम भी दिखाऊंगी आप सबको। रिसेप्शन एरिया है तो वहाँ पे बुक करूँगी, उसके बाद सीधे रूम को दिखाऊंगी यहाँ पे। एंड आज ऐसा कुछ प्लान तो है नहीं, और यहाँ क्यों आई हूँ वो भी बताऊँगी, रूम पे जाके बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, मैंने रिसेप्शन का जो जो फॉर्मेलिटीज था वो मैंने कर लिया और अभी मैं आप सबको मेरा रूम दिखाती हूँ, ठीक है, फॉर अ डे। चलिए, तो कुछ ऐसा है यहाँ, ये रहा दरवाज़ा जहाँ से एंट्रेंस होता है। आने के बाद यहाँ घुसते ही आपको यहाँ पे मिलेगा कबर्ड है। एंड देन यहाँ पे छोटू सा फ्रिज है, उसके स्ट्रेट वॉशरूम है, ये है पर्दा लगाया हुआ है यहाँ शावर लेने के लिए। एंड दिस इज मी, और यहाँ से निकल के ही बड़ा सा बेड जो मैं हमेशा ऐसे ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अभी सामान रखा है, इसको थोड़ी देर में मैं कबर्ड में रख दूँगी। तो दो सोफ़ा है और यहाँ पे एक बड़ा सा वो है मिरर, और ये रहा, और यहाँ टीवी, और यहाँ एसी, और यहाँ से व्यू देखिए हाईवे का पूरा दिखाई देता है। एंड वहाँ पे एक मंदिर है, बालाजी मंदिर, वहाँ जाऊँगी मैं शाम को। तो या कुछ ऐसा है, अरे कॉफ़ी के लिए सब चीज़ रखा गया, चाय के लिए सब चीज़ रखा है, ठीक है, नॉट बैड। टीवी तो अभी ज़रूरत नहीं है। बस पहुँची हूँ और थोड़ी देर में निकलूँगी
सबसे पहले तो क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया मैंने और अभी ऑलमोस्ट लंच टाइम होने वाला है, तो मेरा एक फ्रेंड आ रहा है तो वो मैं जाऊंगी, उसके बाद मैं लंच करेंगे, उसके बाद कैमरा बनवाना था, कैमरा को बनाने दे देगा, उसके बाद मैं दोस्त चला जाएगा अपना घर एंड मैं देखूंगी, मैं शॉपिंग करूंगी सोच रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं क्योंकि पैसा भी नहीं है। तो बेसिकली मेरा आना गुवाहाटी इज़ बिकॉज क्योंकि अपना लिए समय चाहिए था सबसे पहले बात, और अकेला रहना था। वैसे तो मैं ईटानगर में भी अकेली रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मतलब एक था, मुझे थोड़ा अपना स्पेस चाहिए था फ्री फ्रॉम वर्क एंड ऑल, तो इसीलिए मैं आई हूँ। एक दो दिन के ही है, मैं आज यहाँ ठहरूँगी, उसके बाद कल कहाँ जाऊँगी वो भी दिखाऊँगी, ठीक है। लेकिन आज तो गुवाहाटी में ही हूँ, मैं गुवाहाटी में रहूँगी और शाम को मैं मंदिर जाऊँगी, आपको आप सबको मंदिर भी दिखाऊँगी। तो अभी मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया है, उसको आने के लिए बोला है, तो उसके साथ मैं जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे कैब हायर तो कर सकता है, लेकिन दोस्त को मैंने पूछा था तो वो अभी गुवाहाटी में ही है बोला है, तो उसको भी मिल लूँगी और साथ ही साथ सामान जो है उसको भी ऑफिस का अलग उसको बनाने दे दूँ, उसके अंदर थोड़ा सा देखूँगी, घूमने जाऊँगी और तो कुछ है नहीं, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद आप सबको मिलती हूँ, ठीक है, बाय बाय। सो फ्रेश हो चुकी हूँ और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया, तो अभी सबसे पहले तो हम जाएंगे लंच करने, मेरे लिए तो ब्रंच होगा क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी सीधा लंच करूँगी, तो लंच कम ब्रेकफास्ट कम लंच होगा एंड वो सब करने के बाद कैमरा बनाने जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा देखूँगी क्या करूँगी, देखूँगी उसके बाद फिर होटल आ जाऊँगी वापस, उसके बाद शाम को देखूँगी बालाजी जो मंदिर है पास ही में जो मैंने दिखाया था थोड़ा देर पहले, वहाँ जाऊँगी एंड या आज के लिए बस इतना ही होगा, लेकिन बने रहेगा, मैं देखूँगी मतलब क्या प्लान है ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे बस अपने लिए समय चाहिए था, काम से थोड़ा सा ब्रेक और सब चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक, तो इसलिए आई थी। तो यह बनी रही है, अब मैं एक बार दिखा देती हूँ मेरा कपड़ा, ठीक है, पूरा ऐसा है, मैंने एनिमल प्रिंट वाला शर्ट पहना है, नीचे बेल बॉट लॉन्ग पैंट एंड क्रॉक्स, सबसे ईटानगर में पहनने से पहनने को मिल रहा ही नहीं क्योंकि कुर्ती पहनती हूँ तो थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, तो यह ये है और इसके साथ मैं लेने वाली हूँ ये बैग बुकने वाली हूँ, तो ऐसे जाने वाली हूँ, ठीक लग रहा होगा होपफुली ना। और अभी सनग्लास लूँगी, बहुत गर्मी है यहाँ में भी, ईटानगर जैसा ही गर्मी है, उसके बाद मास्क भी खरीदना है, तो चलिए बने रहे वीडियो में, मिलते हैं। निकल के आ गए हैं और इनसे मिलिए, या देख ये है कौशिक बस कौशिक ही है तो अभी हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे बता, सिटी सेंटर, क्या सिटी सेंटर देन चलेंगे कहीं पे भी चलेंगे, ठीक है चले। तो यही आया था मुझे लेने के लिए, फिर यहाँ पे ड्रॉप भी किया, उसके बाद अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे सिटी सेंटर क्योंकि कुछ खाया नहीं, पहले भी बता दिया था, उसके बाद कैमरा बनाने जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनी रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखो इतना गर्मी, माय गॉडनेस बहुत गर्मी है। मिसिंग किचन, वाह ये लेके आए, ये हमने ऑर्डर किया है मिसिंग पॉक थाली, बहुत ज़्यादा आदमी है, सुनाई दे रहा होगा हल्ला है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आदमी। तो ये रहा आगे हमारा, ये कौशिक का वो वॉशरूम गया है, खा के देखती हूँ उसके बाद
रिव्यू देती हूँ। तो खाने का शुरुआत करती हूँ और कौशिक आ गया, वो हल्ला कर रहा है इधर, तो और आएगा बोला आइटम खा के बताती हूँ। कौन सा क्या है समझ में नहीं आ रहा है। वाह और ज़्यादा आ रहा है सामान। You need this because I want it. Papa kena ambil kesa kita. Edu edu. Dari parut dia mas. Kantor dia mas. मेरा खाके हो गया और मैंने बाटी को, मैंने कौशिक का जो खीर था उसका भाग को भी खा दिया। और मतलब मैं भी लाइक ज़्यादा भूख में था तो इसलिए हमको इतना टेस्ट नहीं लगा है। इसका अभी कितना नंबर चल रहा है, तीसरा, इसका तीन बार चल रहा है, तीन बार अभी ले रहा है देखो। वाह तीन बार खा रहा है, तीन बार। मेरा बहुत ज़्यादा सामान था उसको मैंने वापस कर दिया, इसको लेके जाऊँगी। ये पॉर्क कुछ आई डोंट नो कुछ फ्राई है, ज़्यादा ही वैरायटी हो गया था। खा रहे हैं बुक्कर, बाद में आप सबको मैं बताऊँगी अच्छा से, रिव्यू दूँगी इसको लेकर। खाने में तो खा लिया मैंने, खा के निकल गया। वहाँ इतना भीड़ था और मतलब ज़्यादा भूख का वजह से ही क्या मुझे टेस्ट नहीं लगा जितने भी लोगों, मुझे खीर अच्छा लगा तो मैंने चार बाटी खाया छोटा छोटा वाला, तो एवरेज ही था। बट बहुत लोग थे, आई गेस बहुत लोग अच्छा लगता हुआ हमें। तो जो लोग गुवाहाटी आते हैं तो यू कैन ट्राई, मतलब यहाँ पे मिसिंग किचन बोल के गूगल पे मार्च आपको मिल जाएगा। तुमको कैसे लगा बताओ। मुझे तो अच्छा लगा, आसामीज खाना है हमेशा अच्छा, आसामीज खाना इज ऑलवेज बेस्ट। आसामीज है तो इसीलिए आसामीज अच्छा ही लगेगा खाना। बट नहीं, बट सच में अच्छा है, अच्छा होता होगा, मतलब क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा भूख के वजह से होगा, मुझे अच्छा नहीं लगा इतना। तो अभी हम लोग चलेंगे। तो ये चला गया कौशिक, कल मिलेंगे। तो ये रहा होटल का एंट्रेंस, मैंने पहले नहीं दिखाया था जी। ये रहा इस साइड, तो रूम आ गई मैं अभी, तो फ्रेंड जो चला गया। अभी देखिए अभी भी बहुत धूप है, तो वो रहा बालाजी टेंपल। देखूंगी बाद में, अगर टाइम मुझे आज थोड़ा ठीक लगा तो तभी जाऊंगी मैं। एंड कैमरा बनाने तो दे दिया लेकिन बनने के लिए टाइम लगेगा बोल रहा है, तो टाइम लगेगा मीन्स कितना दिन लगेगा कुछ नहीं, उन्होंने देख के बताएगा बोला। तब अगर जल्दी हो जाता तो मैं लेके जाऊंगी साथ में, और एल्स तो कुरियर करने देंगे। एंड या बाद में मिलूँगी, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि सवेरे भी जल्दी उठी, उसके अंदर यहाँ आया, फिर रेस्ट नहीं, फिर इधर उधर करके अभी पहुँचा। तो मिलती हूँ बाद में, और अगर मैंने बाद में वीडियो नहीं बनाया तो यहीं एंड समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए।